चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इन टू स्क्वायर एंड अ सर्किल, इफ दे कैरी सेम करंट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज, दो वायर्स हैं सेम लेंथ के हैं ठीक है, और जैसे मान लो लेंथ एल है इस वायर का, और इससे आपने क्या बनाया, एक स्क्वायर पहले बनाया, स्क्वायर बनाया ठीक है। इस स्क्वायर की साइड ए कंसीडर कर लेते हैं, तो अगर स्क्वायर की साइड अगर ए कंसीडर कर लिया हमने, तो 4a की वैल्यू l के इक्वल होगी सरकमफेरेंस ठीक है, इसके इक्वल होगा। और इसी वायर से अगर एक सर्किल बनाया ठीक है, जिसका रेडियस r है, तो अगर सरकमफेरेंस कितना होगा इसका, 2 पाई r ये होगा, और उसकी वैल्यू भी l के इक्वल होगी। तो यहाँ a की वैल्यू हो गई कितनी, a की वैल्यू हो गई l बाई 4, यहां पर r की वैल्यू होगी l बाई 2 पाई करेक्ट है। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, अच्छा इस सिचुएशन में, स्क्वायर के सिचुएशन में एरिया कितना होगा, एरिया होगा लेंथ का स्क्वायर यानी a साइड का स्क्वायर, और सर्किल के केस में एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर ये होगा करेक्ट है, ये पॉइंट याद रखना। तो स्क्वायर के केस में जो एरिया है वो ए स्क्वायर है, एक जगह एल बाई फोर लिख सकते हैं, एल बाई फोर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां पर सर्किल के केस में पाई आर स्क्वायर है, और r की जगह l बाई टू पाई लिख सकते हैं, ये लिख दिया ठीक है। तो अब पहले केस में जो स्क्वायर के केस में क्या होगा, स्क्वायर के केस में और सर्किल के केस में मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है, कितना होगा, i इंटू ए होगा, यहां पर भी i इंटू ए होगा करेक्ट है, ये स्क्वायर और ये सर्किल, तो i स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 16 स्क्वायर का, ये आ गया। सर्किल का कितना होगा, आई इंटू पाई एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, पाई से पाई कटा, आई इंटू एल स्क्वायर बाई 4 पाई होगा, तो रेशियो किसका किसके बीच चाहिए, स्क्वायर अपॉन सर्किल का, तो आई एल स्क्वायर बाई 16 अपॉन आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई, आई एल स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई ऊपर जाएगा अपॉन 16 यानी पाई बाई 4 आ जाएगा, एम ऑफ स्क्वायर अपॉन एम ऑफ सर्किल, पाई बाई 4, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।